हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वापस से न्यू वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो केक मैं बनाने जा रहा हूँ ये है हमारा मिक्की माउस केक। तो दोस्तों, मिक्की माउस का चेहरा बनाने में मुझे 2 घंटा लग गया, आप समझ सकते हो ना, 2 घंटा। फर्स्ट मैंने बनाया, ख़राब हो गया। सेकेंड टाइम बनाया, ख़राब हो गया। और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, फिर मैं सोचा कि मैं प्रिंट मशीन से उसको मैं फेस का मैं चेहरा निकाल देता हूँ और बैक साइड में सिर्फ फॉन्डेंट लगाऊंगा और कस्टमर को दे दूंगा। लेकिन मुश्किल ये हुआ कि प्रिंट भी मेरा साथ नहीं दिया, और प्रिंट का चेहरा जो आया बहुत ही लेटली आया, और मेरा जो प्रिंटर मशीन है वो भी थोड़ा ख़राब हो चुका हुआ, तो वो भी सर्विस के लिए भी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, दूसरी बार फिर मैंने बनाया, ख़राब हो गया। फिर तीसरी बार मैंने क्या किया, मैं 2 घंटे का मैं ब्रेक कर दिया, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ा से था और मैं अफ्तारी से पहले मैं 2 बार मैं ट्राई किया, नहीं बना, फिर मैं छोड़ दिया। सिर्फ आप ये जो केक देख रहे हो, मैं सिर्फ केक रेडी करके रख दिया। फिर मैं सोचा कि मैं अफ्तारी करके आऊँगा और थोड़ा ठंडे दिमाग से मैं बनाऊँगा फेस। उसके बाद फिर मैंने बनाया, और उसके बाद तीसरी बार जाके मेरा चेहरा फेस, मिक्की माउस का चेहरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बन गया। क्योंकि दोस्तों मैंने दो बार मैंने ट्राई किया, नहीं बना, फिर मैं छोड़ दिया था। फिर मैं सोचा चलो लास्ट टाइम एक बार और मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद फिर मैंने फेस बना के रख दिया, वो हमारा मिक्की माउस का चेहरा बहुत ही अच्छा बन गया। और मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के लास्ट में नहीं, ये केक बनने के बाद उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ। और मिक्की माउस का मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ क्योंकि उसका जो मिक्की माउस का जो टूल्स होते हैं, जो फोंडेंट के टूल्स होते हैं, कटर होते हैं, नाइफ होते हैं, वो हमारे पास नहीं था। तो मैं बहुत मुश्किल मुझे हो रहा था बनाने में। और ऐसे मिक्की माउस का केक मैं बहुत सारा बनाया हुआ हूँ, इंडिया में बनाया था, लेकिन अभी जिस जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कुछ सामान है और कुछ सामान नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था ऐसा बनाने में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया और हमारा मिक्की माउस का चेहरा रेडी हो गया, और थोड़ा मेरा दिल भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, मैंने मेहनत किया तो अच्छा सा बन गया। ये देख सकते हो कितना अच्छा बनना है ये, क्योंकि जो आप ये ऐसा देख रहे हो मिक्की माउस का जो चेहरा होता है, तो जो टूल से मैं कर रहा था ना, वो इधर से उधर चले जा रहा था, वो तो ख़राब हो जा रहा था, ऐसा नहीं बन पा रहा था। और ये दोस्तों, ये केक फिर मैंने रेडी किया दूसरे दिन। एक दिन हमने फुल चिल्लर में रखा था, क्योंकि ये केक था दोपहर के 2 बजे का था और मैं ड्यूटी पे आता हूँ 1 बजे, तो मैं आधा घंटा पहले ये केक मैंने रेडी किया। लेकिन फिर भी ये केक किया, कस्टमर लेने आया लगभग 8 साढ़े 8 बजे केक लेने आया। तो आप देख सकते हो मैंने क्रीम पे सेमी फोंडन में लगा रहा हूँ, और ये दोस्तों ये स्लिप भी नहीं होएगा, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं देख डालूंगा, इसके अंदर टुप्पी कुछ भी नहीं रखने वाला, आप देख सकते हो, और ये एक ज़रा भी स्लिप नहीं होगा। उसका कुछ रीज़न है, अगर आपको जानना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैंने इसमें क्या यूज़ किया हूँ फॉन्डेंट में, मैं आपको अच्छे से मैं बता दूँगा। तो दोस्तों, ये केक तो हमारा रेडी हमने कर दिया है, लेकिन रेडी करने में तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ ये केक बनाने में, और लास्ट में ये केक बहुत अच्छा बन गया और कस्टमर को भी बहुत ही अच्छा लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, कस्टमर भी खुश हो गया। फिर ये सब केक मैंने सब फाइल फोंडेंट मैंने लगा दिया, जो फिर इसमें 2 नंबर के थे वो मैं छोड़ के रखा था, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि इसमें 2 नंबर भी आएंगे, क्योंकि जो हमारा फ़ोटो था केक का जो हमने दिया था ऐसा बनाने को, उसमें थे 2 नंबर, लेकिन मैं नहीं लगा रही कस्टमर को 2 नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए वो मैं रेडी करके नहीं रखा था, उसमें नंबर मैं कट इन करके रखा था। फिर 8 बजे कस्टमर आया, तो उसने बोला कि मेरा इसमें 2 नंबर भी था, तो फिर मैं उसी टाइम में उसको करके मैं दे दिया। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, मेरा ये सेमी मिक्की माउस केक रेडी हो गया है। आप लोग को कैसा लगा है ये केक, आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। ये जो केक था हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, बाहर से भुनीला था और सेमी फोंडेंट है टोटल, और ये केक टोटल 1.5 kg के थे। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। और हाँ, अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना,
क्योंकि मैं ऐसे में रोज़ वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। बीच में मैं अपना वॉइस इसलिए नहीं छोड़ रहा था दोस्तों, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और थोड़ा टाइमिंग हमारा बहुत चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि रात को हम ड्यूटी पे से आते हैं, फिर शहरी खाना होता है, फिर सुबह मॉर्निंग में आउट माइंड उतना कुछ फ्रेश नहीं होता है। लेकिन ये केक मैं सोचा था जैसे भी हो इस केक में मैं अपना वॉइस में रिकॉर्डिंग छोड़ूंगा, क्योंकि आप ये केक देख रहे हो कि बहुत अच्छा प्यारा केक है, बन गया अच्छा सारे, इसमें टाइम बहुत गया है। केक बनाने में कुछ भी टाइम नहीं गया है, सिर्फ इसका फेस बनाने में दोस्तों मेरा सिर्फ 2 घंटा लग गया, 2 घंटा। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये केक हमें, और जो हमारे साथ में काम करता बंदा इसके साथ उसने फ़ोटो भी अपना लिया, वो भी बोला कि बहुत अच्छा केक है। तो खैर दोस्तों ये तो हमने बना दिया मिकी माउस केक, आप लोग को कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, एक न्यू डिज़ाइन लेके आऊँगा आप लोग के लिए। ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग को कैसा लगता है आपको कमेंट नहीं करते हैं।